नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती खेमिन साहू, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला बेमचा, जिला महासमुंद। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 12 अपन चीज के पीरा एक छत्तीसगढ़ी पाठ को पढ़ेंगे। लेका हो चलो ये पाठ के परिचय देख लेथन। ढिल्ला चरे या बेवारस गरुआ मन खेत खार बारी बखरी के बिंद्रा विनाश कर देते। कोनो कोनो गोसैया मन जान बुझ के अपन गाय गरुला रात मा छेल्ला चरे बर ढील देते। जेकर नुकसान होते उही एकर दुख पीरा ला जानते। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कहानी मा यही संदेश दे गे है। लइका हो चलो अब ये कहानी ला हमन सुनथन। परसराम के जस नाम तस काम, जेन मेर नहीं तेन मेर लाठी अटिया थे और बात बात मा अंगरा उकल थे। एक झन परसराम नाम के रही से, ओकर जैसने नाम रीस ना तैसने ओकर काम रीस है। मतलब वो हा कोनो भी जगह जाए तब बस खाली अपन लाठी के धौस दिखाए और बात बात में गुस्सा करे लगे। सोच गोठियाए ला तो जाना ही नहीं, जुच्छा अटेल ही मारते। वो परसराम रहा है ना लइका हो, तेन हा गोठियाच ला नहीं जाने, मतलब हर जगह अपन घमंड ला दिखात रहा। परसराम जेन लहो लेते तेन तो लेते, ओकर ले ज्यादा लहो लेते ओकर गाय गोदवरी। परसराम हर चीज पर लहो लेना मतलब कोई कोई चीज पर जल्दबाजी करना। ता ओकर ले ज्यादा तो ओकर गाय रही से एक ठन गोदवरी, तेन हा लहो लेवे। कैसे लेवे चलो आगे देखथन। परसराम करा कोरी भर गाय है, कोरी के मतलब 20 ठन, संख्या में 20 होते। ता परसराम करा 20 ठन गाय रहे, फिर गोदवरी के अलगे मिजाज है। एक ठन गाय रीस तेकर नाम रीस गोदावरी, ओकर आदत आचरण ही अलग रहा है। ढिल्ला चर चर के खूब मोटा है, ढिल्ला चर चर के मतलब खुल्ला कहीं भी जाके चर ले वायो हा, और ओकरे से त्यो मोटाए रही से। लाली रंग बड़े बड़े सिंह हुमेले बरागु, और ओकर शरीर है कैसे रहा है लाली रंग के और बड़े बड़े ओकर सिंह, और हर दम सब झल्ला हुमेले बरागु आगू रहा है। छिल छिल दिखते ओकर शरीर और एकदम हट्टी कट्टी मस्त स्वस्थ दिखा है ओकर शरीर है। लइका हो एमे अपरिचित शब्द आए है अटियाना। अटियाना के मतलब होते किसी की बात को ना मानना। ता लइका हो अब गोदवरी के बारे में सुनाओ, कैसे कैसे रही सो हा। काठा भर के कांचर कसेरी भर दूध देते, मतलब एकदम मोट डांट तो रहा है वह, और कस के कसेरी भर दूध देवे। एकरे भरोसा परसराम के गोसाइन दसरी हा मार अंग भर गहना और मायर है। मतलब परसराम के बाई रही से, बाईया ने जान गया ना ओकर घर वाली, ओकर नाम रहा है दसरी, और ओकरे भरोसा में गोदावरी के दूध के भरोसा में दूध लाती होती बेचे तब पैसा बढ़ाए है ना। तब पूरा अंग भर में ओहा गहना पहिरे रहा है। बड़ खुश है परसराम और दसरी, खुश नहीं है तो ओकर बेटा रमेश्वर, और गोदावरी के दूध देवैला देख के और पैसा कमाई के मारे परसराम और दसरी है एकदम खुश रहा है। लेकिन ओकर एक झन बेटा रही रमेश्वर नाव के, वो खुशेच नहीं रहा है, रोज रोज के बद्दी ले हला कान रही थे। रमेश्वर काबर खुश नहीं रहा त्री से, काबर की गोदावरी के हर दिन कोई ना कोई शिकायत आवे, तेकरे से त्यो खुश नहीं रहा त्री से। दादा दाई संग बातिक बाता घलो हो जाए, मतलब अपन माँ बाप संग कुछु काही कुछ कुछ बात ला लेके बहस भी हो जाए। फिर नहीं सुधरने वाला है परसराम, अक्का बहस होए तब होले वो हा परसराम जो है वो सुधरे बर नामे नहीं लाए। लइका हो आज फिर बड़े बिहानिया ले रुपाऊ हा बद्दी दे बर आए है। बद्दी देना यानी बताए हो ना शिकायत करना, ठीक है। तो रुपाऊ सुबह ले बिहानिया ले बद्दी दे बर आगे शिकायत करे बर आगे। ओकर कछार बारी के भाटा मिर्चा के फिर सत्यानाश कर दे है गोदावरी है ना। कछार बारी मतलब खेत में जो बारी बोई रही से भाटा मिर्चा के, ता ओला गोदावरी है जाके का कर दे रही से, खा पी के एक बरोबर कर दे रही से, सत्यानाश कर दे रही से। फूले फरे के दिन मा चर दे है, रुपाउच्छा नहीं तीर तकार के जम्मो खेत खार वाले गोदावरी के मारे हला कान रहा है। गोदावरी को जनी कैसे मन के कस अपन मुंह के भार राचर लउसाल देते और घुसर जाते बारी बखरी मा, कोनो गम नहीं पाए। गोदावरी जो है जैसे कोई आदमी हा ऐसे उठा के दरवाजा ला खोलते ना, राचर यानी होते बांस बल्ली से बने हुए दरवाजा,
बारी के राचर ला अपन मुंह मुठा खोल देवे, जैसे आदमी मन खोलते तैसने, आओ काकरो भी बारी बखरी में खुसर जाए, आओ कोनो लाइकर गम नहीं मिले, गम नहीं मिले मतलब कोनो लाइकर पता नहीं चला, आओ थोर को काकरो आरोपा थे ताहले पूछी उठा के पल्ला भागते। देखे हो ना तुमन गाय गरु मन कैसे होते, एक कनिक काकरो आवाज ला सुनते तहन कैसे भाग जाते, वैसने गोदौरी है पूछी उठा पल्ला भाग जाए, कोनो कर पार नहीं पाए मतलब कोनो उल पकड़ ही नहीं पाए, पल्ला भाग के कोठा मा खुसर जाते। बद्दी देवैया ला परशुराम उल्टा गारी देवत कही थे। अब परशुराम हा जब कोनो शिकायत करे ला थे ता काय के थे, तोर बारी मा गाय हा चरत रहीस ता पकड़ के लाने हस का, ऐसे कह के दूसर ला बोले लागथे ओहा। परशुराम हा बड़ा आय हस बद्दी देवैया मतलब बड़ा आय हस ने हा शिकायत करे बर, मघारे ला देखा हूँ लौठी मा भाग जा, मतलब वो अपन डंडल देखा थे और काय के थे ते यहाँ ला चल दे नहीं तो फिर ये लौठी मा मैं तोल मार दूँ। रूपाऊ मने मन में संकल्प ले थे एक ना एक दिन पकड़ के देखाहूँ तोर गाय ला। अब रूपाऊ बड़ गुस्सत रहा तो मने मन में सोचते कि पक्का एक ना एक दिन एकर गाय ला पकड़ के मैं देखाऊँ, ऐसे कह के संकल्प करके वो जगल चल दे थे। अब रूपाऊ बारी जाते और बारी जाते साथ भीड़ गए गाय पकड़े जतन मा, धरिस कुदारी लानिस झुहा उरापा, जेन मेर ले गाय बारी मा बुलके बर पैधे रहा तेने मेर गड़रा खाने पर भीड़ गए। अब रूपाऊ गुस्सा में रहा गीस गीस अपन बारी मा आओ झुहा कुदारी धर के सीधा गड्ढा खोदे लगी से, कौन जगह खोदी से जेन जगह ले गाय है बुलके बासी पेज खायल तक वो भुला गए ओहा, ओला तो परशुराम के बात लगे रहा है। कैसे परशुराम बोल के हेरिस ना ते मोर गाय पकड़ के देखा लाने हस का तेम शिकायत करत हस त यही बात ला ओहा धरे रहा, बने गढ़रा खन के ओला डारा पानम तोप दीस तभे घर गीस। अब गड्ढल खोद लीस तहन वो गड्ढा के ऊपर में काय करी से डारा पाना ला ओकर ऊपर में डाल दीस तोपना यानी ढकना। एती संझा बेरा गोदावरी बर्दी ले लहुटीस तब परशुराम गोदावरी ला दुहीस बांधीस और सोवा प्रतिमा गाय के गेरवल छटका दीस। अब शाम के जैसे सब गाय मन आते ना बर्दी ले चढ़ के आते वैसने गोदावरी तको आईस। अब परशुराम होला शाम के दुही से और बांध दीस और जैसने सब के सोएक बेरा होइस तैसने ऊपर गेरवा गेरवा मतलब गाय के गलम जो रस्सी बंधाए रही थे ना तेला के थे है ना तो गेरवा ला निकाल दीस। चलिस गोदावरी अपन ठीहा माँ मतलब गोदावरी हा जिहा चरे बर ओ टकराहा रही से ना मतलब जिहा जाए बार बार ओहा जिहा वो अच्छा अच्छा खाए बर मिले उही जगह ओहा जाए लगीस। लगते गोदावरी असन गाय के चाल चलन ला देख के सियान मन हाना पारे हो ही पैधे गाय कछारे जाए। अब सियान मन एक ठन हाना पारे है काय हाना पारे है कि जेन गाय ला जेन मेर चरे का आदत हो जाते अच्छा अच्छा खायल मिलते ना जे जगह उही जगह जाते रेंगे रेंगे तब वैसने गोदावरी हा जाए लगीस। कौन जगह जे जगह ऊपर आदत री से चरे के रुंधना ले बोलकर गोदावरी गढ़रम झपागे है ना, रुंधना मतलब वो जो एहरी से ना बांस बल्ली के बने हुए दरवाजा वही ला इसे खोलते और जैसने वो मेरे खुसर थे तैसने वो जगह गड्ढा खोदे रही थे रूपाऊ हा वही जा गिर जाते भकरस ले बाजीस मतलब आवाजीस जोर से। अब गोदावरी बाए कह के नरियाई से गाय मन वैसने चिल्लाते ना बाए बाए वैसने गोदावरी तको बाए कह के चिल्लाए लगीस। रूपाऊ कुंदरा के बाहर कौड़ा मेर बैठे आगे तापत रहा है, कुंदरा मतलब जेला कपड़ा से या झिल्ली से बनाए रही थे तरूपाऊ हा वैसने कुंदरा बनाए रही से अब वही जगह आगे तापत रहा है ठंड के मौसम रही था। रूपाऊ जान डरी सब आप कहाँ जाही, लेकिन एक पल के लिए डर रही एक मन डर रहा है कहूँ गाय के गोड़ टूट जाही त उल्टा मोर कल नहीं हो जाही मर जाही त गौ हत्या लगी। आधा बल आधा डर करत आके रूपाऊ देखते त गोदौरी गढ़रा में अवरी भौरी व्याकुल घूमत रहा है ना। अब गड्ढा में गिर के रहे गोदावरी है अब एकदम व्याकुल होके कैसे इहल में निकला ऐसे कह के घूमत रहा है। मुँह झुलझुल बिहानिया परशुराम खोर के कपाट ला खोलते त गोदावरी नहीं रहा है ना। मुँह झुलझुल मतलब सुबह सुबह जब परशुराम हा बाहर के अपन कपाट ला खोली से त देखते गोदावरी नहीं रहा है।
नहीं रहा है। परसराम कही थे आज गोदौरी कैसे नहीं आई सो रमेश्वर के दाई ऐसे कही के रमेश्वर के दाई पूछते। दशरी है कही थे को जनी हो मोर मन तो भूस भूस जाते कहूँ रूपौहा बांध छान तो नहीं दिस होही। परसराम की थे काला गोदौरी ला ओकर दस पुर का आ जही तभो गोदौरी नहीं बांध सके ऐसे कही के परसराम हा दशरी कहे लगते। एति बारी के गढ़रा मा अभरे गोदौरी बछरू के माया मा बाय बाय नरियावे मतलब अभरना यानी गिर जाना। तो गोदौरी हा गड्ढा में गिर गिरा है। अब जैसे सब माला अपन लइका मन से प्यार रही थे वैसने उहूल अपन बछरू के अबड़ याद आवत रहा है और मायक मारे वो चिल्लावत रहा है। बाहिर बट्टा अवैया जवैया नहवैया कतकोन मन के रूपाऊ के बारी में सकला गे। बाहिर बट्टा मतलब जिन मन बाहर तरफ अगर जाते तालाब वालाब जाते नहाए धोए बर एती ओती अवैया जवैया सब झन रूपाऊ बारी में सकला गे। समय लाल है कही थे वाह रूपाऊ आज अच्छा फांदा खेले आज गरब उतर ही परसराम के कहाँ जाही गाय ला खोजत खोजत सवांगे आही। अब समय लाल है कही थे रूपाऊला कि ते तो बढ़िया फांदा करे हस आज तो परसराम के घमंड टूट जाही कहाँ जाही गाय खोजत खोजत ये तो आही। ठौका उत के बेर तेंदुसार के लाठी धरे परसराम हा आगे। अब परसराम हमेशा एक ठन लाठी ल धरेच रहा है वैसने उई जगह आगे हुआ लाठी धरे धरे परसराम हा देखते गाय गढ़रा म गिरे परे है। परसराम ला देख के गोदौरी बाय बाय नरियाए लागिस। अब अपन मालिक ला देख के तो नरियाबेच करही ना तो गोदौरी हा बाय बाय नरियाए लागिस। लइका हो अब रूपाऊ हा कही थे कैसे परसराम कतका दिन ले ककरो लइका के मुँह म पैरा ला गूंजबे मोर गाय ला कब पकड़े हस कही के अटियावस अब बता। अब रूपाऊ ला तो बड़ा चढ़े रहा है गुस्सा परसराम ला देख के कही थे कि ते सब झन ला चुप करास ना मुँह म पैरल गोंजस मतलब ते सब ला चुप करात रहास और काय कहास मोर गायल पकड़ के देखावो और ऐसे कही के ते घमंड देखास हमन ला अब बता तो ते है। अब परसराम के मन में आगी धक है फिर का करे चुपचाप रहा है ना गुस्सा के मारे ओकर मन में आग लगत रहा है लेकिन चुप रही से। अब काबर चुप रही से ला जानत हो ना लइका हो काबर की ओकर गाय हर रूपाऊ के फांदा में फंसे रहा है। अब छक्का पंजा बंद हो गए छक्का पंजा बंद होना मतलब मुँह से कुछ भी ना निकलना है ना कुछ नहीं निकलत रही से मुड़ी ला नवाए रहा है मतलब अपन सिर ला नीचे कोती झुकाए रहा है जैसे कोई आदमी हाँ गलती करे रही थे तो का करते काकरों से आँखी मिला थे का नहीं मिला है ना। परसराम हाँ गलती के कारण अपन मुड़ी नवाए रहे। समय लाल कही थे गांव भर के खेत खार बारी बेला के बहुत बिंद्रा विनाश करे हंसता है हाँ और तोर गाय है बिंद्रा विनाश यानी सत्यानाश करना है ना। तो पूरा गांव भर के खेत खार ला बारी बेला ला ते हाँ और तोर गाय है दोनों जन सत्यानाश तो करे हम अब का कही थस बोल अभो गरज बे गांव में रहना है तब बने रहे खेती खार के चरई और ऊपर ले अटियाई नहीं बनाए ऐसे कह के गांव के मन हाँ कही थे समय लाल है कि ते हाँ अगर तोला गांव में रहना है तो तोल बने बने रहे लागी और तोर गायल तक को ठीक से रखे लागी ऐसे कही थे। अब देखो लेका हो आगे में काय हो थे कोनो बताई तो दशरी और रमेश्वर घलो बारी में आ गए रूपाऊ के बारी में। रमेश्वर मने मन भारी खुश होत रहा है चलो आज चोर हा पकड़ाइस चलो आज चोर पकड़ाइस। दादा चाहे तानियाओ के पाठ थोड़े दाम पे। अब रूपाऊ कही थे कि ये मोर बाप तो हर है लेकिन गलती तो करे है तो मैं कर पक्ष कैसे ले हूँ ऐसे कई को सोचते अन्याय तो अन्याय होते है ना अन्याय तो अन्याय छोथे ना गलती गलती छोथे। एक झन सियान कही थे यही में न्याय होना चाहिए। परसराम गजब अटेल ही बघाड़ते अटेल ही बघाड़ते मतलब बहुत घमंड दिखाते। परसराम हाँ मसमोटी मारते मसमोटी यानी होते मस्ती है ना तो मस्ती मारते बहुत है आज आई सूटवा पहाड़ तई एक ठन कहावत है ना अब आई सूठा पहाड़ के नीचे में वही हरे है मतलब ऊँट पहाड़ के नीचे आगे मतलब नहीं एती जा सके ना ओती जा सके वो है एला डाड़े ला पढ़ी डाड़ना यानी
सजा के रूप में कुछ भुगतान करना या कोई पैसा देना, है ना। एकर भरभस टूटना चाहिए। तत्के म दसरी जेन पहली फुनून फुनून करे, फुनून फुनून करना यानी कोनोला देख के कैसे कहा है ये मन इसने चे मन मोलवा इसने जो बोलते इसे की के गारी वारी दे सब झनला, है ना। तो दसरी जेन हम पहली फुनून फुनून करे गारी बखाना दे तेन हाथ जोड़ के कही थे दादा हो गलती होगी, है ना। वो जगह जतका झन खड़े रहते मल्ला कहा है मोर से गलती हो गई, बछरू भूख के मारे नरियावत है, गायला निकाल दो। दसरी है कहा थे सब झल्ला बछरू भूख के मारे नरियात है, काबर की रात कन के निकले है ना गोदवरी है, तब बछरूल भूख लागत है, गाय जल्दी निकालो ऐसे कहा थे। जेन नियाव करहू पाछू करत रहू। अब समय लाल के थे नहीं नियाव तो अभी हो ही भौजी, तुहर धरे के न बांधे के। परसराम ऊपर छावा कही थे हाउ दादा जेन डाड़ बांधू मैं कसूरवार हूँ देहू। चार जन सुनता हो के परसराम ला 200 रुपया डाड़िन और बरजिन, मतलब 200 रुपया ओला सजा के रूप में मांगीस और समझाई से बरजना यानी समझना। आज ले काकरो खेत खार ला चराबे झन गाय ला ढीलबे झन समझे। दसरी तूरते 200 रुपया लान के पटाइस, गोदावरी ला निकालिस और घर आगे। तलेका हो आज ये पाठ ले हमन अतके दूर ले पढ़थन, त जतका दूले हमन आज पढ़े हन तुमन काय समझेवे कर ले। यही समझेव ना कि परसराम अपन गाय ला ढिल्ला छोड़ दे जेकर से ती दूसर दूसर के बारी में जाए और ओकर बारी के सत्यानाश कर दे, और एक दिन वह पकड़ भी आईस त ओला ओकर डार देल परिस, मतलब कहीं ना कहीं पर न्याव जो गांव के मन जो है वो न्याव ला करीस है, ठीक है ना। त लइका हो अब चलो अभी जतका दूले पढ़े हन उतका दूले हमार का समझ बनीस, एकर बार कुछ प्रश्न ला हमन कर लेथन, ठीक है। तो पहला प्रश्न है परसराम के स्वभाव कैसे रही से, एकर जवाब कौन दी। ज्योति, हाँ ज्योति बिल्कुल सही जवाब है बेटा। एका जवाब है कि परसराम हा अटेलहा और गुस्सेलहा रही से और हमेशा घमंड में ही गोठियावत रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न देखथन रूपाऊ हा गोदावरी ला पकड़े खातिर का जतन करी से, हाँ कौन बताही। पुष्पा, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। रूपाऊ हा गोदावरी ला पकड़े बर अपन बारी मा एक ठन गढ़रा खोदी से औ ओला डारा पाना में तोप दीस औ ऐसे करके गोदावरी हा ओ गड्ढा माग गिरीस औ पकड़ा गिस। तलैका हो अभी तो हमन प्रश्न उत्तर देखे हैं, तो चलो जल्दी से अपन कॉपी पेन ला निकालो और घर भर कुछ बूता लिख लो। लइका हो प्रश्न है तुहर घर के कोनो बड़े सियान मन ले परसराम से ही कोनो अन्याव के काम कर ही ओला तुमन कैसे सुधार हो लिखाओ। तो एकर लिए तुमन अपन दोस्त मन से भी चर्चा कर सकता हो और अपन दीदी भैया से भी चर्चा कर सकता हो, तब एला अपन कॉपी में तहने लिख लू, ठीक है ना। तो लइका हो आज ये पाठ ले हमें यही जगह समाप्त करथन, और अब हमन यही पाठ के दूसरा भाग में एकर आगे के कहानी ला पढ़बो। धन्यवाद।